बर्तन है और पीतल के बर्तन में बन रहा है यहाँ पे मटन। वाह जी, ये इनका मछली है रोगन, देखिए एकदम बिल्कुल, देखिए लवाला भरा हुआ। बता रहा हूँ मैं, तीन बार आया मीट खाने के लिए, आज का एकदम थिक, इतना थिक ग्रेवी है कि देख रहे हैं, ये देखिए मिलता है आपके यहाँ पे। हमारे यहाँ वेज खाना भी है। तो हम तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरी इस नई सी वीडियो में। और जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ ना, वो जगह बहुत पॉपुलर है, मतलब ये कहें तो यहाँ से हर दिन हजारों लोग क्रॉस करते होंगे। जगह कौन सा जगह है? जमाल रोड, ये निकलेगा जमाल रोड। और अगर इधर की बात करें तो ये दिख रहा होगा आपको हमारे सामने, ये है पटना जंक्शन वाला पुल। हम लोग यहीं पे आए क्या ट्राई करने के लिए, बहुत शानदार दुकान है, बहुत ओल्ड दुकान है। नाम क्या है इसका? जिसका नाम है कैलाश होटल। और यहीं बन रहा है शानदार सा मटन, और पूरे पटना में मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मिलता है पीतल के बर्तन में बनता है यहाँ पे मटन। तो ये देखिए, ये है पीतल का बर्तन और सब कुछ कैसे बन रहा है, क्या प्राइस है, क्या टेस्ट है, सब कुछ बताएंगे। चलते थोड़ा बात बूत करते हैं और फिर लगवाएंगे अपना प्लेट, करेंगे टेस्ट, बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। बहुत मज़ा आएगा वीडियो में क्योंकि जगह बहुत नया है और अभी तक आपने इस पर्टिकुलर प्लेस का जो है वीडियो नहीं देखा होगा यूट्यूब पर। तो चलते हैं और करते हैं इस दुकान को एक्सप्लोर। आइए, आपको दिखेगा कुछ ऐसा सिनेरियो, पूरा जो है सब कुछ बनता है बाहर में ही, और अंदर में चाहेंगे तो आप खाना खा सकते हैं। ये देखिए अंदर बैठने का अरेंजमेंट किया गया है और यहाँ पे लगा हुआ डोंगा डोंगी, और ये है दुकान के मालिक। आइए दिखाते हैं एक बार हम इसके अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये बन रहा है, प्याज को घोंट रहे हैं और औटने के बाद ग्रेवी बनेगा मटर में। क्या बनेगा? ग्रेवी मटर में। एक बार दिखाइएगा, ये देखिए पीतल का जो है बर्तन है और पीतल के बर्तन में बन रहा है यहाँ पे मटन। वाह जी वाह, क्या बात है, एकदम शानदार सा और बहुत ही शानदार खुशबू निकल के आ रहा है, जबकि ये पूरा रेडी भी नहीं हुआ है और इतना शानदार खुशबू निकल के इसके अंदर से आ रहा है। ग्रेवी देखिए एकदम थिक ग्रेवी है और इसी से बनता है भाई साहब यहाँ का फेमस मटन, है ना। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो है प्याज आ गया और ये जाएगा इसके अंदर में। फाइनली जो है मटन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बहुत सुंदर सब कुछ बनता है। और आपने आई थिंक अभी तक देखा नहीं होगा पूरे पटना में कि पीतल के बर्तन में कोई बना करके सर्व कर रहा है। तो ये प्याज आ गया इसके अंदर में और ये मटन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया ना, रेडी हो गया, लगता है काउंटर पे। तो आपको दिखाते हैं रंगत इसका और फिर लगवाएंगे प्लेट, करेंगे टेस्ट, बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों ये है दुकान के ऑनर, आइए इनसे बात करते, जानते थोड़ा दुकान के बारे में। सर नाम क्या हो सर आपका? हमारा नाम राजकुमार हुआ। अच्छा, और क्या क्या मिलता है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ वेज खाना भी है, नॉन वेज खाना भी है। वेज में आपको चावल दाल सब्जी भुजिया एक प्लेट 50 रुपया है, रोटी सब्जी 50 रुपया है, 5 रोटी सब्जी भुजिया प्याज तड़का रोटी भी 50 है। नॉन वेज में आपको मिलेगा मटन चावल 140, दो पीस मटन एक प्लेट चावल, और चिकन चावल 90, दो पीस चिकन एक प्लेट चावल, मछली चावल दो पीस मछली एक प्लेट चावल 80 रुपया, और दो पीस अंडा करी और एक प्लेट चावल 70 रुपया का है। तो दुकान कितना पुराना हो गया आपका? हमारा दुकान हमारे पिताजी का बनाया हुआ है, हमारे पिताजी का है, 1962 में स्थापित हुआ था। छोटा सा दुकान है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, मीडियम क्लास का दुकान है। लोग दीवाने इतने कहा है टेस्ट? हमारा शुरू से ही टेस्ट हमारे पिताजी का ही बनाया हुआ टेस्ट है, हमारे पिताजी सब बता के गए, सिखा के गए। अब हाँ, और अब हम भी कुछ दिन में जाने वाले हैं। तो मतलब ये कहें कि आपका स्वाद है ना, अच्छा ये बनाते हैं पीतल के बर्तन में, पीतल में थोड़ा सा भुंजाता है मसाला तो टेस्ट आता है। नहीं और भी जगह बनता है लेकिन बाहर में हम आप तो देख लिए, लेकिन अंदर में नहीं देख पाइएगा, अंदर ही बनता है। दोस्तों जहाँ तक हमने देखा ना है, अंदर भी देखा है, मैंने पता नहीं है, अंदर भी देखा है, बहुत कम जगह दिखेगा जहाँ आपको पीतल के बर्तन में खाना बनते हुए मिलता है, बहुत शानदार है। एक बार दिखाते हैं रंगत सबका, हम यहाँ पे सब कुछ उठ करके यहाँ से आ गया है, अब दिखाते हैं थोड़ा रंगत हम सब चीज़ का। ठीक है दोस्तों, ये इनका मटन है, वाह जी वाह, बिल्कुल थिक ग्रेवी है इसके अंदर, मटन का पीस है, चुस्ता है, कलेजी है, सब कुछ है, बहुत सुंदर। एक बार रंगत देखिए इसका, ग्रेवी देखिए, वाह जी वाह, क्या बात है। तो दोस्तों ये देखिए, ये इनका मछली है रोगन, देखिए एकदम बिल्कुल, देखिए लवाला भरा हुआ मछली का पीस, इस पर कौन सा पीस होता है? ये रेहू का, ये देखिए रेहू मछली है ये, और अगर तेल देखिए इसके ऊपर से, बहुत बढ़िया। चिकन का
वाह जी वाह। ग्रेवी आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ का सेम दिखेगा, चाहे वो चिकन का हो, चाहे मटन का हो, चाहे वो फिश का हो। बहुत सुंदर। सर नाम क्या सर आपका? सर मेरा नाम सुदीप कुमार है, मैं चनपटिया का प्रॉपर निवासी हूँ। चनपटिया जी। और क्या फीडबैक है जगह का? यहाँ फीडबैक है, जैसे मेरा फुटवेयर का बिजनेस है। अच्छा। हम लोग गोरिया टोली में अपना मार्केट वगैरह करते हैं। हाँ। लेकिन जब भी आते हैं, पूरे 10 साल हो गए हम मुझे आते हुए। 10 साल से खा रहे हैं? जी जी, जब भी आते हैं तो हम लोग यहाँ खाना जरूर खाते हैं। ऐसा क्या टेस्ट लगा आपको इसके अंदर? बहुत अच्छा, जैसे चंपारण का मीट हम लोग यहाँ फेमस है, वैसा स्वाद हम लोग यहाँ मिलता है। चिकन या मटन? नहीं मटन खाते हैं, चिकन नहीं। चिकन मटन खाते हैं, मटन बेस्ट बनता है। हाँ। और हमेशा जब भी आते हैं, मैं और मेरा भाई भी आता है, चाहे मित्र लोग भी आते हैं, सारे लोग खाना खाते हैं। भोजन वैसा जो मन को संतुष्ट करे। सही बात है। पैसा तो बहुत सारे लगते हैं, बहुत जगह लगता है। हाँ, 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 लेकिन भोजन वैसा जो मन को तृप्त करे। जी जी। और हम मीट मछली के बहुत ज्यादा शौकीन आदमी है, चंपारण वासी है। ठीक है। और चंपारण वासी हैं, इस लिहाज से तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग इसके शौकीन हैं। शौकीन हो गए। अच्छा, एक बात पूछेंगे आपसे जी, कि वहाँ के टेस्ट और यहाँ के टेस्ट में क्या अंतर दिखा? कोई अंतर नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब लोगों को ये कहिए कि वहाँ ना जाकर यहाँ खाना खाए। हाँ, बेशक बेशक। ऑथेंटिक लोग हैं, चंपारण से हैं। अभी अभी आज के डेट में बता रहा हूँ, आज का वाकया बता रहा हूँ, मैं 3 बार आया मीट खाने के लिए। आज का? अभी 3 बार, जैसे कि मतलब कि बना नहीं था। एक बार आया 11:30 बजे, तो उस समय रेडी नहीं था, बोला कि आधा घंटे के बाद। 12:30 बजे आया, तब भी नहीं रेडी था। तो यानी मीट खाने के लिए मैं 3 बार आया, तीसरी बार आया तो उन्होंने बोला ठीक है अभी रेडी है आप आ जाओ। अरे बाप, मतलब ये देखिए साकिन देखिए करता है कि मतलब, तो तीसरी बार हम आके भोजन कर रहे हैं। भोजन कर रहे हैं, बाहर कुछ और नहीं खाएंगे, खाएंगे नहीं, तो मटन ही खाएंगे और यहीं खाएंगे। तो दोस्तों फाइनली जो है हमारे पास प्लेट आ चुका है यहाँ का मटन। ये देखिए शानदार सा ग्रेवी वाला मटन है, एकदम एकदम थिक, इतना थिक ग्रेवी है कि देख रहे हैं। ये देखिए ये 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 भाई साहब, इतना थिक ग्रेवी यहाँ का है। और साथ में है यहाँ पे क्या, चिकन देख रहे हैं, एकदम देहाती चिकन है एकदम बिल्कुल। साथ में लिया हम लोगों ने रोटी और ये है चावल। आइए अब करते हैं इसको टेस्ट। हम उससे पहले दिखाते हैं कि मटन जो है शानदार कितने समय पका है कि नहीं पका। ये देखिए ये है भाई साहब यहाँ का मटन, इसके लोग दीवाने हैं। ये कहते हैं कि लोग मतलब लोग ये कहते हैं कि मार्केट घूम लेंगे लेकिन कुछ और नहीं खाएंगे, खाएंगे तो यहीं पे खाएंगे। क्या टेस्ट है वो तो चखने के बाद समझ में मुझे आएगा। आइए ये देखिए, ये दिखाते हैं कितना प्रॉपर पका हुआ है और चर्बी भी इसके अंदर में है। और ये देखिए ये एकदम बिल्कुल रंगत देखिए, शानदार सा रंगत है। ये इनका मटन है, हल्दी वाला पीस जिसको हम लोग करेंगे टेस्ट। उससे पहले हम ट्राई करते हैं इस यहाँ का चिकन। ये देखिए थोड़ा सा डिप करते हैं, घुमाते हैं ग्रेवी के अंदर में। पका हुआ प्रॉपर है, देखिए आप छुइए। और बहुत छोटा पीस है, मतलब जो चिकन का यूज़ करते ना, आई थिंक ये 700 ग्राम से 600 ग्राम के आसपास का चिकन होगा। एकदम टेंडर हो गया है। अब एक बार ये देखिए आप यहाँ का ग्रेवी, पहले देखिए आप एकदम थिक ग्रेवी, मतलब लटपट ग्रेवी का है जो एक तरह का है। उसको लेते थोड़ा सा हम चावल के ऊपर में और मटन का थोड़ा सा पीस, जगह थोड़ा सा कॉम्पैक्ट टेस्ट लिया था, शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। आइए आपको दिखे इसलिए से हम लेते हैं इसको हाथ में और अब करते हैं हम टेस्ट इसको। और भाई साहब क्या बात है यार, मतलब एकदम शानदार फ्लेवर दे रहा है। और फ्लेवर में हल्का मिठास है प्याज का, मसालों का माइल्ड फ्लेवर निकल के आएगा। मतलब ये कहना कि इसको खाने के बाद आपका पेट लहरेगा नहीं या भारीपन फील नहीं होगा आपको। बहुत बढ़िया टेस्ट है।
वाह। अगर आप पटना से हैं या पटना आ रहे हैं, आपने यहाँ ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई जरूर करना, सच में आप यहाँ आकर के दीवाने हो जाओगे इसके मटन के। बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो हम ख़त्म करते हैं वीडियो को, अपने पूरे प्लेट को, मटन को, चिकन को, और मिलते हैं आपको एक फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए।